कैसे हैं आप सब? तो यार अभी पे हम आए हैं पत्रकारपुर मार्केट पे, कुछ सामान लेना था तो निधि को लेकर के आए हैं वही मार्केट में। सामान लेने के लिए अभी मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे, और पीछे आप देख सकते हैं पूरी मार्केट काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर मार्केट में, मतलब देख सकते हैं आप। और एक तो होली का मतलब त्यौहार है तो भाई होली में तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी भीड़ है। ये देख लीजिए चारों तरफ से होली के फेस्टिवल में, वैसे भी या कोई भी फेस्टिवल हो तो पत्रकारपुरम का ये चौराहा जो है ये वैसे भी यहाँ पर भीड़ हरदम रहती है। आप देख सकते हैं पूरा इसमें ऊपर से नीचे तक सारे बमचम का देखिए वो लगा हुआ है, ऊपर इनरवियर का है, पिज्जा डाइन, ये सब तमाम मेडिकल और ब्यूटी मंत्र के और भी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी लोकेशन। तो निधि को लेकर के आए हैं सामान लेने के लिए, अभी आ रहे हैं तो मिलते हैं बाद में भी दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में तब तक। तो देखिए निधि सामान लेकर के आ रही हैं, भाई सामान ले लिए हैं और अब चल रहे हैं आगे। ये चलिए अब आगे चल रहे हैं, मिलते हैं आगे, ब्लॉग में बने रहिए। शोरूम पे उतार दिए हैं दोस्तों और आ गए हैं, अब चलते हैं, कुछ काम है हमको जाना है थोड़ा अभी एक तरफ, तो काम भी है और आपको मैं उस जगह से वाकिफ़ करा दूं। अगर आप ना जानते हो तो बने रहिए ब्लॉग में, एक नई चीज़ आपको दिखा दूं, रो तो आप ब्लॉग देखते ही हैं। तो भाई ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए पूरा। ये बिनयखंड एरिया है, लखनऊ का एक बिनयखंड एरिया है गोमती नगर का, और बिनयखंड 3 या 4 के आसपास जहाँ पर हम रहते हैं वही एरिया है। ये पीछे से रास्ता है और ये रास्ता से आप शहीद पथ पर जा सकते हैं, और जो जो चीज़ें हैं रास्ते में अभी मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए HDFC बैंक भी है, और ये देखिए शोरूम है गाड़ियों का, सही होते हैं। और क्या क्या है मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये फेमस एरिया है ये लखनऊ की, गोमती नगर जो है भाई वैसे भी तो फेमस है। और ये ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपने पिछले, देखिए एक टी आई सेंटर, आँख का अस्पताल है ये। तो अब मैं पहुँच गया हूँ इस समय विनीत खंड 6 में, ये विनीत खंड 6 है, और ये देखिए JTRI गेस्ट हाउस है, ये बंद है पीछे देख लीजिए। और आगे की तरफ हम चल रहे हैं इस समय, आप देखते चलिए ब्लॉग में दोस्तों, साथ साथ बने रहिए। ये विनीत खंड एरिया है दोस्तों, विनीत खंड 6 लगता है ये, और लखनऊ पब्लिक स्कूल भी यहाँ पर है अभी बगल में, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अब भाई मैं पहुंच चुका हूं मेन रोड पर, ये देखिए हाईवे रोड है, और बस मैं हनीमैन चौराहा पहुंचने वाला हूं। और आप देख लीजिए ये पूरा विनीत खंड का एरिया है, जयपुरिया स्कूल यहां बगल में ही था, अभी मैंने आपको दिखाया था बगल में। तो इस समय मैं मेन रोड पर हूं, और ये देखिए एकदम बने रहिए ब्लॉग में, आप देखते रहिए। अभी मैं पहुँच करके आपको सहारा हॉस्पिटल और जो वहाँ के मेन मेन चीज़ें हैं वो सब आज आपको दिखा दे रहा हूँ ब्लॉग में। तो चलते हैं आगे की तरफ, आप इन्जॉय करिए, हनीमैन चौराहा पहुंच करके आपसे मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। तो भाई देख सकते हैं आप, मैं हनीमैन चौराहे पे पहुंच चुका हूं। ये देखिए मूर्ति हनीमैन, महात्मा हनीमैन की मूर्ति है, और अगर आप यहां से बाएं तरफ जाएंगे तो फैजाबाद रोड की तरफ आप जा सकते हैं, और सीधा आगे जाएंगे तो सहारा हॉस्पिटल, और दाहिने तरफ जाएंगे तो खरगापुर क्रॉसिंग। तो सहारा हॉस्पिटल पहुँचने से पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर एक फेमस होटल, कई होटल भाई होटल गोमती नगर में तो है ही हैं, तो उसी क्रम में मैं दिखा दूँ। ये देखिए गेट नंबर यहाँ का 2 है सहारा हॉस्पिटल का, और अभी मैं 2 पे आऊँगा, इससे पहले मैं दिखा दूँ कि होटल नोवेटल और होटल लाइनेज, ये बहुत फेमस होटल यहाँ के हैं, आपको कभी आना हो इधर कोई दिक्कत हो तो होटल में आप जा सकते हैं आराम से। और उसके बाद ये देखिए दूसरा होटल आता है,
ये देखिए नोवेटल है, ये लखनऊ का नोवेटल होटल है, आप देख लीजिए पूरा। तो उसके बगल में देखिए गिंजर होटल, ये भी होटल एकदम सहारा हॉस्पिटल के सामने आपको सारे होटल मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं सहारा हॉस्पिटल के अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं अब। तो अब भाई मैं आ चुका हूँ ये आगे सहारा हॉस्पिटल वाली रोड पे। तो आप देख सकते हैं सामने अभी मैं सहारा हॉस्पिटल के पास पहुँचने वाला हूँ। उससे पहले आपको दिखा दूँ एक बार, आप यहाँ से देख लीजिए, ये सहारा हॉस्पिटल का गेट नंबर 2 है, ये सहारा हॉस्पिटल गेट नंबर 2 है। और अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ पूरा, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है लखनऊ का, ये भी आप देखे भी होंगे पहले। तो अभी अंदर चल कर आपको दिखाते हैं पूरा। तो दोस्तों अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ, ये लखनऊ का सहारा हॉस्पिटल है, अभी मैं अंदर चल के आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा। और बहुत ही VIP जगह पर बना है। और ये देखिए ठीक मेरे सामने होटल नोवेटल है, ये आप देख लीजिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। तो भाई आपको ये देख करके क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये कोई शूटिंग वूटिंग करने की जगह है या फिल्म इंडस्ट्री का, तो नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये है सहारा हॉस्पिटल दोस्तों। ये देख लीजिए नोवेटल होटल के बिल्कुल फ्रंट सामने है बना ये, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, आप देखें भी होगा इसको। तो यहाँ पर देखिए ग्रास और गार्डन बिल्कुल अंदर ही बनाया गया है, जैसे किसी को बैठना बैठना है, पेशेंट एडमिट हो तो आप यहाँ आकर के खाना वाना खा सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं अपने, और सारी सुविधाएँ हैं। देखिए कितना बड़ा इसका ग्राउंड है, और पार्किंग वार्किंग की सब सारी सुविधाएं भी यहाँ पर हैं सारा साथ। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 या 6 गेट हैं टोटल, और अलग अलग गेट से आपको एंट्री और सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो देखिए काफ़ी बड़ा है, कितना अच्छा बेहतरीन लग रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ इसकी खासियत, कि इसमें अंदर फूड कोर्ट भी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर खाना वाना खाना है, पेशेंट के लिए ले जाना है या कुछ भी है, तो आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। और आपको मैं अभी दिखाता हूँ फूड कोर्ट यहाँ का कहाँ पर है। तो भाई काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मेन चीज़ ये है गोमती नगर का, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और आप देखिए ठीक, देखिए नोवेटल और इसके बिल्कुल सामने ही है ये। और यहाँ का फूड कोर्ट आप देखिए, ये देखिए ठीक सामने मेरे फूड कोर्ट, ये फूड कोर्ट एरिया है, लिखा हुआ भी है फूड कोर्ट, आप आएँगे तो खुद ही आपको दिख जाएगा। ये देखिए फूड कोर्ट ही है, ये बिल्कुल सामने मेरे, ये देखिए। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, और ये सिंबल तो आप लोग देखेंगे भी होंगे यूट्यूब और सब चीज़ों पे देखे होंगे सहारा हॉस्पिटल का, ये देखिए ये वाला सिंबल। तो यहाँ पर ऊपर हेलीकॉप्टर भी उतरता है, दवाएं जब बाहर से डॉक्टर आते हैं, सर्जन आते हैं, तो वहाँ ऊपर हेलीपैड भी बना है इसमें। तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है भाई हॉस्पिटल के अंदर, वो भी पार्क, और बहुत कम ही मिलेंगे आपको पार्क ऐसी लोकेशन और ऐसी जगह। देखिए HDFC बैंक भी सामने अंदर ही है, गेट नंबर 5 की तरफ का है ये व्यू, और आप देखिए काफ़ी बना अच्छा है। तो कैसा लगा आपको, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं और आपसे मिलते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी काम भी हमको बहुत है भाई। तो अब ये गेट नंबर 2 से मैं बाहर निकल रहा हूँ, यहाँ पे जो अंदर गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पे आपको 5 टोकन लेना पड़ता है, आप लौटते समय यहाँ पर टोकन देंगे तभी आपको यहाँ से बाहर जाने का वो मिलेगा पास। तो बाहर की तरफ मैं चल रहा हूँ, यही गार्ड रूम भी बना, हर गेट पे गार्ड रूम मिल जाएगा आपको। और देखिए ठीक सामने आप अगर रुकना है होटल होटल में, तो ठीक सामने नोवेटल, गिंजर और तमाम होटल ये देखिए हैं इसमें। और यहाँ देखिए ये सहारा हॉस्पिटल लखनऊ का, ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ से भी एक बार इसको देख लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये ब्लॉग, और पूरा ब्लॉग अभी देखिए थोड़ा आगे का मैं और दिखाऊँगा। तो इसको शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ सिंगापुर मॉल, ये मॉल आप सुने होंगे, नाम भी सुने होंगे, काफ़ी पुराना है, विराटखंड में पड़ता है ये। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ मॉल के अंदर। तो आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ नीचे देखिए डोमिनोज मिल जाएगा पिज्ज़ा का, वो काफ़ी पुराना ब्रांच है ये। और आगे चलते हैं अब, तो ये देखिए जो नए कैफे कोई ओपनिंग हो रही है, तो उसकी स्टैंडिंग है। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो लिफ्ट से आप जा सकते हैं, यहाँ से सारी सुविधाएँ हैं लिफ्ट में। देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं इसमें खड़ा हूँ यहाँ पे, देखिए ये अगर इसमें देख करके भी आप जा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये लिखा हुआ है सब कुछ इसमें, PBR और बिग बाज़ार सारी चीज़ें इसमें हैं। बिग बाज़ार यहाँ पर दोस्तों अंडरग्राउंड है, नीचे है, और बाकी PBR इसका 3rd फ्लोर पे, अभी मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। और इसका ये देखिए वाशरूम, अगर ग्राउंड एरिया में जाना है आपको तो ये देखिए यहाँ पर आएँगे आप, ये नीचे ही है एकदम, और ये से बाहर भी निकल सकते हैं। और इधर देखिए, ये देखिए सामने वाशरूम, मैन वोमेन दोनों का है, और ये देखिए ATM भी अंदर लगा हुआ है SBI का। तो आगे चलते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए पूरा एंजॉय करते हुए, अभी ऊपर चल करके आपको दिखाते हैं पूरा।
तो भाई अब मैं आ चुका हूँ ऊपर, सबसे ऊपर। ये देखिए, आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ का फूड कोर्ट एरिया है। फूड कोर्ट अगर आपको खाना वाना है कुछ, नीचे तो डोमिनोज है, बाकी फूड कोर्ट एरिया यहाँ मॉल में सारा ऊपर ही मिलेगा आपको। तो अभी कुछ कोविड की वजह से बंद भी हैं, बहुत से भी ओपन भी नहीं हुए हैं, बीच में सब ओपन थे तो अभी कोविड की वजह से बहुत ओपन नहीं हुए हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आराम से यहाँ पर भी सब कुछ, बैठने का काफ़ी अच्छा स्पेस भी है फूड कोर्ट पे। आप देखिए अभी कुछ लोग बैठे भी हैं, अभी सारे ओपन नहीं हुए हैं। तो चलते हैं अब ऊपर से एक बार नीचे की तरफ, PBR और सारा चीज़ आपको दिखा दूँ एक बार पूरा। तो बाहर की तरफ मैं निकल आया हूँ। देखिए ये बाहर की तरफ सबसे ऊपर मैं आखिरी फ्लोर पे हूँ और ठीक मेरे सामने देखिए PBR है। देखिए लाइन लगी हुई, कश्मीर फाइल जिसमें आई हुई है। तो भाई सब लोग जो ना देखे हों, कश्मीर फाइल जाकर देखिए और बहुत अच्छी मूवी है। अब ऊपर से देखिए वो जो एरिया दिख रही है आपको, ये बिग बाजार एरिया है नीचे अंडरग्राउंड से जाने का। और ये कॉपी है CCD यहाँ का, ये CCD एरिया है नीचे की जो भी दिखाया था। तो दोस्तों अब आप सिंगापुर मॉल अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर कई ब्रांच और कई ब्रांड भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, कपड़ों के भी और तमाम चीज़ों के मिल जाएंगे। तो आइए कभी इंजॉय करिए, मिलते हैं आगे अभी। तो भाई ये है PBR एरिया और मैं PBR के पास खड़ा हूँ इस समय, ये सिंगापुर मॉल के। और इस समय कश्मीर फाइल आई है तो इसलिए भीड़ भी काफ़ी है, लेकिन आज उसे फ़िलहाल अभी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं, पर ऑनलाइन टिकट का भी सिस्टम, अपने पैसे आपके फ़ोन से भी स्वैप होकर जाएंगे, नया सिस्टम है इसमें। और ये PBR की स्क्रीन है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं आप फ़ोन से भी। तो ये टिकट काउंटर है और आप चलते हैं नीचे की तरफ। तो बने रहिए ब्लॉग में, अभी आपको हम दिखाते हैं कुछ। ये देखिए थाई स्पा का भी इसमें मिल जाएगा आपको, और यूनिसेक्स सैलून भी आपको है। और ये देखिए भूत बंगला, ये आप आए होंगे यहाँ पर देखे होंगे, इसके अंदर भूतों की तरह आवाज़ निकालने वाले कार्टून प्लेयर भी हैं इसमें तमाम। और फिर आगे चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं बाद में दोस्तों। तो भाई एक बार वॉशरूम भी चल के अंदर दिखा देते हैं। देखिए वोमेन मेन दोनों का है और ये मेन वाले में मैं अंदर चल रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए पूरा कितना क्लीन, कितना मतलब क्लीनअप है इसमें। और इसमें देख लीजिए मिरर कितना बिल्कुल साफ़, देखिए बेहतरीन लग रही है आप, देख लीजिए पूरी मिरर। तो वॉशरूम भी इसका बहुत अच्छा बना हुआ है, सब देखिए अलग अलग इसमें टॉयलेट के जो रोल हैं और तमाम चीज़ें हैं फ्रेशिंग। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad. तो भाई चलते हैं बाहर की तरफ और फोन आ रहा है निधि का, कुछ काम भी है और जाना भी है। तो आपको मैंने ये दिखाया पूरा, अब ये बाहर का व्यू है दोस्तों, बाहर मैं आ गया हूँ मॉल के बाहर का। तो विराट खंड में ये मॉल है और सहारा हॉस्पिटल के पास में है। ये देखिए पार्किंग वार्किंग सारी पूरी व्यवस्था है बाहर, और अंदर यहाँ बेसमेंट में भी पार्किंग है। तो आप बेसमेंट में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। और एक बार मैं बाहर से आपको व्यू दिखा दूँ पूरे मॉल का, सामने का बैकग्राउंड, इसका फ्रंट इसका देख लीजिए आप, सारे जो जो ब्रांड इसमें जो जो चीज़ है और सारी चीज़ों को इसमें ऊपर लगा हुआ है, देख लीजिए आप खुद। तो आइए कभी सिंगापुर मॉल और इन्जॉय करिए फैमिली के साथ, घूमिए टहलिए और मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई अब चल रहे हैं, पहुंचने वाले हैं अपने शोरूम पर। और ये पीछे वाले रास्ते से जो मैंने अभी दिखाया था इंटर में GTRI का गेस्ट हाउस, उधर से ही मैं वापस आ गया हूं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नए हों अगर आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से वीडियो आगे चली जाती है। और जो लोग नहीं देखे होंगे, लखनऊ आने को सोचते होंगे, तो उनको भी एक जानकारी मिल जाएगी कि क्या चीज़ कहाँ है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, होली का समय है, घर चलते हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय